स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुजरात फॉर्चून जायंट्स और यूपी जो था इससे पहले एक बार खेले हैं और वो मुकाबला 30-30 से टाई रहा था। फेक मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, सुपर 10 चला था, यहाँ अच्छी रणनीति। निराश होंगे अपनी टीम के अब तक के प्रदर्शन से, कुल मिलाकर 14 मैचों में सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं यूपी ने, और ये सचमुच बहुत कमजोर कहानी है। लेकिन आज की शुरुआत बढ़िया की है ऋषभ ने। के प्रपंचन को आज शामिल किया गया है टीम के अंदर अजय कुमार की जगह पर। के प्रपंचन अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस बार डुबकी लगाना चाहते थे। ऋतुराज को रवि समय राइट कॉर्नर पर, कल याद होगा आपको काशी लिंगट के का टैकल, लेकिन यहां भी डिफेंस कम नहीं चल रहा है आज गुजरात का। और जब डिफेंडर क्रॉस कर जाता है तो रेडर से सुनील प्रवेश की जोड़ी। मुश्किल 7 मिनट का वक्त बीता है, यूपी योद्धा को इस बात का ख्याल रखना होगा, टच पॉइंट्स की जरूरत है, अपने प्लेयर्स को रिवाइव करना होगा, अन्यथा अगर ऑल आउट हो गए तो सोबर का आसान नहीं। क्या ब्लॉक किया है इस बार फिर सुनील का ब्लॉक, शानदार। सिर्फ एक टैकल पॉइंट है यूपी योद्धा का और ये कोई अच्छा संकेत नहीं, और इस बार फिर ब्लॉक किया। गुजरात के लिए 6 रेड पॉइंट आए हैं, 5 टैकल पॉइंट आए हैं, दोनों विभाग इतना खूबसूरत चले हैं। ओ ये पहली गलती हुई है प्रवेश से इस मैच में। ओ आउट, बहुत अच्छा टैकल नितेश कुमार का, एंकल होल्ड। गुजरात यूपी पर 19-10 से आगे चल रही है, 9 पॉइंट की लीड है इस समय गुजरात फॉर्चून जायंट्स की। अब तक 4 बार पूरी या 5 बार पूरी, 4 बार ज्यादा, 4 इस बार भी गिनते हैं कितनी बार। और ये देखिए हाफ टाइम के बाद का मुकाबला शुरू, लेकिन टी शर्ट जिस तरह से खींची गई है ये गुजरात फॉर्चून जायंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रीकांत जादव की ये डू और डाई रेड है, पॉइंट इनको लेना है, सामने सुपर टैकल ऑन है, तो श्रीकांत को पॉइंट नहीं मिला तो 2 पॉइंट गुजरात को मिलेंगे। श्रीकांत जाधव कामयाब, गुजरात की मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑल आउट हो गए गुजरात फॉर्चून जायंट्स, 5 पॉइंट्स मिले यहां पर। अडुआडाई में अगर 6 या 7 प्लेयर मौजूद है तो आप बोनस ले सकते हैं, रनर्स बोनस का अटेम्प्ट, लेकिन डिफेंसेस के लिए तैयार था बिल्कुल। और इस समय ऑल आउट से बचने की पूरी कोशिश करनी होगी यूपी योद्धा को। सुपर टैकल कर लिया गया रोहित गुलिया को, बेशकीमती 2 पॉइंट्स मिले हैं यूपी योद्धा को। और इस बार क्रॉस कर लिया मिडलाइन को, ऐसा लगता है बोनस एंड 1 पॉइंट यूपी योद्धा, बोनस और 1 पॉइंट, यानी कि एक रिवाइवल मिला, 1 पॉइंट अलग से मिला, एक बार फिर ये मुकाबला बराबरी पर। वही सुपर टैकल की सिचुएशन, जीवा है और नरेंद्र मौजूद है, जीवा ने डाइव किया और नरेंद्र ने सपोर्ट किया, सुपर टैकल। रोहित लंबा हैंड टच, लॉबी में गए कॉन्फिडेंट, जीवा को बाहर जाना होगा। जब मुकाबला बेहद रोमांचक हो तब का बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, यहां यूपी योद्धा की उम्मीदें अब सील हो चुकी है। अंत भला तो सब भला, गुजरात फॉर्चून जायंट्स अपने घर पर लगातार 8वें मैच में अपराजित है, और पहली बार ऐसा हुआ है गुजरात और यूपी के मैच का परिणाम किसी टीम के पक्ष में आया हो। 5 पॉइंट से गुजरात को जीत मिली है।